सो नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर टू ऑल माय फेलो व्यूअर्स ऑफ WWE 2K22। दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ माय राइज। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमें रोड डॉग के मैसेजेस आए थे, एलेक्सा ब्लिस के मैसेजेस आए थे, तो हमने उन सब के जवाब दिए। इवन शॉन माइकल ने मैसेज कहा था कि एक NXT में मैच करना है बिना टेलीकास्ट हुए, तो हमने वो भी किए। तो पिछला जो हमारा वीडियो था वो बहुत सारे मैचेस के साथ था जो हमने फोन्स पे, जो सोशल मीडिया पे थे और जो DMs आए थे उनके जवाब दिए थे। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं स्टोरी, देखते हैं क्या है मेरे लिए आगे। वैसे आप देखने जाओ तो नोटिफिकेशंस ऑलरेडी दिखा रहे हैं, अगर मैं ट्रायंगल दबाता हूँ तो मुझे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे अपग्रेड करने को, जिसमें मुझ मेरे पास 8 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, जिसमें मैं अपने अभी सॉरी चेंजेस हो चुके हैं, तो मैं डिफेंस को चाहूँगा थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि डिफेंस इज समथिंग मुझे चाहिए मेरे इसमें हो। लोकेशन अवेलेबल हो चुका है हमारे पास सोशल मीडिया पे, और एक मैसेज आया है DM में जो है NXT चैम्पियन का, या NXT जो भी है बंदा जिसको हमने हरा दिया। दे वॉन्ट मी अबाउट योर एटीट्यूड बिफोर आर मैच, शुड हैव वॉन्ट मी, दैट्स प्रिटी ओके इन द रिंग टू। हे आई नो देर हैव बीन सम हिकअप्स विथ योर टाइम हियर, बट इट्स आई एम हियरिंग गुड थिंग्स अबाउट यू, योर प्रोग्रेस, एंड आई हैव सम पोटेंशियल बिग न्यूज़। लास्ट टाइम यू सेड द बिग न्यूज़, इट टर्न आउट Where the owner for Rory Dog's birthday, hope it's big. It takes a special person to complain about a free donut. Anyway, it is big. I heard GM might making their down soon to evaluate your training. Okay, you got it right. That is big. Yep. If you think you're ready, I can pull some strings to make it happen. Or if you think you need more training, I can stall a bit. I want to stay in performance center. आई नीड सम मोर ट्रेनिंग, मुझे ज़रूरत है, मुझे जानना है कि आगे क्या स्टोरी है। थैंक यू सो मच कोरी। अब हम जाएंगे स्टोरी पे, रोड डॉग से बात करेंगे। Just so you know, I'm not cool with how you acted on your first day. Challenging Shawn Michaels might have worked out, but it isn't how we do things around here. So I'm not trying to be cute or anything, but you're in my doghouse. ओ, ये भड़क चुका है, जैसे मैंने पहले दिन पे शॉन माइकल को चैलेंज किया। Let me save you some time. If you're looking for some kind of apology or for me to admit I was wrong, it's not going to happen. मेरा पनिशर भी माफी नहीं मांगना Fine. चाहता। If I can't talk some sense into you, then maybe I can get through to you in the ring. अब क्या रोड डॉग में सच Are लगना you चाहता है? saying you want me in a match? Damn straight. You and me today, one on one. Damn straight. You and me today, one on one. क्यों ना हम इसे भी मजा चखाते हैं? I don't know what you think you're going to accomplish, but I'm going to beat another Hall of Famer. And if you ain't down with that, I got two words for you. Too bad. Okay, no. पहले शॉन माइकल, अब रोड डॉग, उसके बाद क्या ट्रिपल एच। यू नेवर नो, देखते हैं क्या है। ओहो, ये तो आके ही सीधा हाई मूव देने वाले थे। ऑलरेडी इनके पास दो फिनिशर है, मतलब ये फुल ऑन मूड में है मार मार के। और ये चोक स्लैम, उठ जा भाई, तुझे तो अभी मजा चखाना है। आजा भाई, तुझे खत्म कर, बहुत हो गया।
Tata. Bye bye. Little dog. Oh. तेरे में अभी भी जान है, जाने मन। चलो, क्यों ना एक और हो जाए। अपना फिनिशर देने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता है तू थक चुका है। Why you want to rest? I still don't get it. I know I'm a punisher. मेरा पनिशर बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। बट सॉरी, ओ और ये डीडीटी देते हुए, ओहो सक इट दे रहा है मुझे। उसे पता नहीं कि अब उसे क्या सक करने को मिलने वाला है। Sorry, road dog. One, two, your time is three, up. क्या था ये? ऐसा लगा कि ग्लिच था, बट नहीं, मैं जीत चुका हूँ। पता नहीं रोड डॉग को क्या सोची कि वो मुझसे फाइट करना चाहते हैं, जस्ट क्योंकि मैंने शॉन माइकल को चैलेंज किया और उसे लगा कि मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा। बट ऐसी बात नहीं है, मेरा पनिशर यहाँ पे सबको पनिश करने आया है। देखते हैं अब ये आगे स्टोरी कहाँ ले जाती है। Tengo una gran oportunidad para ti. That's Spanish for I got a big opportunity for you. Ignoring your terrible Spanish for a second, what's the opportunity? WWE was contacted to send a PC student to El Mago's retirement show in Mexico. They actually requested Hector, but for some reason he doesn't want to do it. So if you're interested, we'll have a triple threat between you, Paragon, and Chase to decide who will go to face El Mago's son, El Mago Jr., at the event. Reservar mi vuelo, which means book my flight. I'm going. मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। I only looked up that one sentence, so I'll take your word for it. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। जैसे ही मैं ईविल बन रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा मैचेस मिल रहे हैं या ये शो का फॉर्मेट है ऐसा? ओ, ये ट्रिपल थ्रेट मैच तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये पैरागॉन कुछ ज्यादा ही हुशारी मार रहा है। चेस, तू कर रहा क्या है? दौड़ो लड़ो, मैं तुम दोनों को देखूं। ये ले मेरा
clothesline, paragon, chappal. Jeez, तू करना क्या चाह रहा है? ये देख मेरे मसल चेज, मुझे पता है तू एक दिन मेरा भी फैन हो जाएगा। क्या लगा तुझे आसानी से जाना होगा? ओहो, पैरागॉन चप्पल आ चुका है। अरे भाई, ओहो, रिवर्स कर दिया इस बंदे ने। चल घूम जा। In a multi-purpose match, the superstar will roll out of the side of the ring, taking damage. After rolling on, superstar can choose to recover early or but. ये क्या था? All of a sudden मैं ऐसा stun कैसे हो गया? पर इधर तो हमने मुझे बताया नहीं कि stun हो जाने के बाद recover कैसे करते हैं जल्दी। रेडी हो जाओ। उठ जा भाई, उठ जा। पैरागॉन के चप्पल। Superman power. Bye, Paragon. ये क्या था? All of a sudden मैं stun कहाँ से हो गया? नहीं, ये बड़ा ही वियर्ड है जो स्टंट का प्रोग्राम बनाया गया है, जबकि देखने जाओ सबसे ज़्यादा इन दोनों को लगा हुआ है और मुझे हल्की सी भी खरोच दी आई है और मैं स्टंट हो चुका हूँ।
स्टंड हुआ तो ये तो बाहर भी नहीं गया। सो पैरागोन ही है जिसको मुझे बीट करके आगे जाना होगा। ये जो है चेज वापस आ गया। Chase. One, 2, 3. It was an easy victory, but चेज ने दो बार रोकने की कोशिश की तो मुझे चाहिए था कि मैं चेज को ही निकाल दूं। मज़ा तो आया इस मैच में। अब देखते हैं आगे मेक्सिको में कौन है जिसे मुझे जाके बीट करना है। क्या ये हेक्टर है? So you're trying to show me up, prove you can do what I couldn't on a bad day. How's for you? Good luck against El Mago Jr. in Mexico. I hope you beat him. Tuning. That's the plan. I've been meaning to ask, why didn't you want to go? Yeah, just wasn't feeling it. It would have been a chance for you to compete in your home country. And you're probably a fan of El Mago, right? I was, but he wasn't a fan of me. That's all I can really say. Just go get the win over Mago Jr. Okay. मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये ही जूनियर है जो आके लड़ेगा मुझसे? चलो देखते हैं कौन है ये जूनियर। मुझे लग तो रहा है कि ये हमारा हेक्टर ही है। देखे क्या है। मैं आ चुका हूँ रिंग में अपने गियर में। देखते हैं कौन से जूनियर साहब आने वाले। अच्छी एंट्री थी। देखें और मैं अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए कि आओ भाई तो तुम्हें भी पनिश करेंगे।
जल्दी फिनिश करना चाहते हैं। देखो फास्ट मूव देते हुए मुझे पहले लगा वो एक्टर है, पर इसकी गोरी चमड़ी देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसके ऑलरेडी फिनिशर भी आने वाला है, सिग्नेचर आने वाला है। ये ऑलरेडी मुझे ऑलरेडी फिनिशर आ चुका है। फिनिशर मूव नाकाम कर दिया। एक्चुअली गलती मेरी ही थी, मैं कुछ जल्दी ही और गुस्से में फिनिशर और गुस्से हो गए। इसने फिनिशर को लेटा दिया। और ये क्या था, क्या था ये? फिनिशर अपना मूव, ये बहुत ही शानदार से फिनिशर हट गए वहां से। एल्मागो जूनियर, टाइम फॉर यू टू गो, टाइम फॉर फिनिशिंग। ये हो चुका है फिर से। I'm sorry, जिसकी भी रिटायरमेंट पार्टी पे मैं जीता। और ये पनिशर और गुस्से में कि जिसे लाना है लाओ, हम उसे भी खा जाएंगे। देखते हैं अभी क्या है आगे हमारे पनिशर दोस्त के लिए। पहला मैच रोड डॉग के साथ, फिर ट्रिपल थ्रेट मैच, और अभी ये मेक्सिको में जाके जूनियर से झगड़ा करके। अब देखिए हमारे लिए क्या है। स्टोरी कंप्लीट। हाय। सो रोड डॉग एंड आई वर थिंकिंग, since apparently you want to stand out so much around here, that we should come up with some new ways to challenge you. Oh, matlab inhe mera way of fighting itna acha laga ki abhi ye kuch naya lana chahte hain. What you have in mind? One of my favorites is what I'm calling show up or throw up. Basically, you have to do 500 squats and then wrestle Chase without throwing up. Sounds easy enough. Chalo. Kyun na hum ye bhi karte? Good. Try your best not to throw up. Road Dog has a weak stomach, so he'll start blowing chunks too. And it could get ugly real fast. So abhi ye ek aur challenge aa chuka hai jisme mujhe kuch push-ups karke Chase se ladna hai. पता नहीं चेस को इतना ज़्यादा क्यों इसमें दिखाया जा रहा है जबकि वो एक रेसलर तक नहीं है। ओहो मेरे पैर ऑलरेडी लाल है, मतलब इसमें थोड़ा चैलेंजिंग हो चुका है क्योंकि मेरे पैरों में इतना दर्द है जो एक्चुअल है।
चेज, आई एम सॉरी बट ये एक ट्रेनिंग मैच है। उठ जा मेरे दोस्त, काय का दोस्त, उठ। ये कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आज लग रहे हैं पनिशर, पता नहीं क्या हो चुका है इन्हें। और ये मैं खुद शॉक्ड हूँ इन्हें ऐसे मूव्स करते देख। और ये डर्टी पिन की कोशिश, साइड वॉक स्लैम कहते हैं इसे। और ये अपने मसल्स दिखाते हुए कि देखो ये होता है मसल्स। ओहो, इसे कहते हैं उठा के हवे से ही छोड़ देना सुप्लिक्स। कम बैक मूव आ चुका है मेरा, क्योंकि जैसे मेरी हालत ख़राब है उस हिसाब से तो उन्होंने कम बैक, और ये कम बैक तो सामने वाले ने कर दिया। और ये चेज गुस्से में अभी मुझे मार रहे हैं, और ये ऊपर जा रहे हैं, यानी क्या सोच के मूव करने वाले हैं ये। मेरे पैर में ऑलरेडी दर्द है और मैंने एक और, ओहो चेस फुल ऑन डिमांड में है जिस हिसाब से वो मूव कर रहे हैं। भागना चाहते थे पर मैंने पकड़ लिया उसे अपने बटिस्टा बॉम्ब में, और वो स्टन हो चुके हैं। और क्या मैं जीत सकता हूँ, इसे कहते हैं मैच। पैर मेरे मुड़ने के बाद, दुखने के बाद भी बावजूद मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब देखते हैं आगे क्या लाता है यह हमारे लिए स्टोरी। माइकल को कुछ मेरे लिए और कहना है। So, you beat me on day one. Yeah. Albeit under questionable circumstances. But do you think you can take down two Hall of Famers in a tag match? क्यों नहीं? Handicap? Are the Bushwhackers in town? Funny. I mean, how about you team up with anyone here and face me in Road Dogg? तो मुझे कुछ. If beating you two helps me get more recognition, then I'll do it. All right, figure out who you want to team with, and we'll see you in the ring. Tell me Hector ko lena chahta. I already know who I want. Hector Flores. So ye challenge hai, tag team match. Main aur Hector Flores versus Road Dogg and Shawn Michaels. TX XDX परफॉर्मेंस सेंटर बड़ा ही प्यारा लग रहा है। आ जा भाई, तुझे दिखाते हैं डबल टीम। रोड डॉग मेरे को लगता है सुबह खाना नहीं छपा पाएगा इसके बाद। One.
बड़ा ही प्यारा मूव था हेक्टर का। मैं पता नहीं क्यों हेक्टर को इस मैच में लिया, क्योंकि मुझे देखना था ये कैसा फाइटर है जिसने एल जूनियर का मैच ना करने से मना कर दिया, जाने पे मना कर दिया। आई थिंक सो मैं अपने पनिशर को वापस लेके आना चाहूँगा जो इन सब को प्रॉपरली पनिश करे। ओह ये किक देते हुए, सॉरी बॉस। आई थिंक सो गलती कर ली तुमने, क्या सोचा था सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, झमाट मिली तुझे झमाट। और बोल कहाँ जाएगा भाई। ओह अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। उठ जा भाई, तेरे को हॉट टैग देना है उसे। जा बनो। बड़े ही गुस्से में उसे बुला रहा हूँ। ओह ये क्या मूव है, ओह उसने उठा लिया। बड़ा ही प्यारा रिवर्सल किया रोड डॉग ने। तुमने क्या सोचा था, चैलेंज तुमने ही दिया था, क्यों ना तुम्हें ही मैं पिन करूं। रिवर्सल कर दिया इसने। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं पता नहीं क्या सोच के रोड डॉग को मार रहा हूँ, और पीछे से शॉन माइकल ने मुझे अटैक कर दिया। और वापस तुम रोड डॉग को ला रहे हो, इस बार सोच समझ के लाना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा फिनिशर है। ओहो इसने ऑलरेडी अपना फिनिशर दिखा दिया। रेडी रोड डॉग, और ये ब्रेक हो गया थैंक्स टू शॉन माइकल्स। मेरे मसल्स तो देखो रो डॉग, ये तुम दोनों ने ही चैलेंज किया था, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम्हें आओ बैलो मुझे मारो, बट कोई नहीं, हर बंदे का दिन आता है। आई थिंक सो आज तुम दोनों का दिन है। और ये गेम फिनिश, तुम दोनों ने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। अब देखते हैं क्या है आगे।
मुझे पता है थोड़ा बुरा लग रहा है तुम्हें, बट क्या करे, तुम्हारा ही चैलेंज, तुम्हारा ही नुकसान। अब पैरागॉन को क्या चाहिए? I was in a bit of a philosophical mood last night, and I started to wonder, if you never have a chance to use your finishing move, is it still a finisher? Or is it just a regular old move? Shocked you're not out with a head injury after thinking that hard. But please, continue. I guess I was thinking about how dominating my finisher is going to be in the WWE, but you guys are probably never even going to get to use yours, which is kind of sad. Total waste of some perfectly good finishing moves. I don't think you have to worry about that, since I guarantee I could hit my finisher on you today. Really? Okay, well, how about we have a little fatal four-way finisher match? First one to hit theirs wins. Deal. I look forward to showing you that my finishing move is not gonna go to waste. तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच है कि जो सबसे पहले फिनिशर मारेगा वो जीतेगा। सो ये चांस हो सकता है कि ये थोड़ा टफ हो मैच, या रिवर्सल्स बहुत जल्दी हो इसमें। पर देखें, हमें कोई भी मैच जीतना नहीं है, बस सिर्फ सबको पनिश करना है। आई नो तुम मेरा टैग टीम पार्टनर थे, बट अब तो मैं ये मूव दे पाऊंगा। ओहो, बुरा लगा, पर क्या करे। एक और, मेरे मसल्स देख ले, जबकि तू मेरा दोस्त है, पर क्या करे। ओहो, रिवर्सल, हेक्टर ने एक रिवर्सल कर दिया बहुत ही जल्दी, और ये मुझे कुछ मूव देना चाहता है। और मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं रिवर्स तो जरूर करूँगा। लेट्स गो हेक्टर। से पंखा मत लेना। आर यू रेडी? अच्छा भाई, खत्म करते हैं मैच। देख ले मेरे मसल्स एक और बार। मुझे पता है कि तुम मेरे दोस्त हो, बट क्या करें, तुम चारों अच्छे हो, और मुझे लगता है रेसलिंग के शोडाउन में तो मैं ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। आर यू रेडी? Should I finish off? Oh, और ये reversal? मुझे लगा इतना आसान नहीं होगा, पर यहाँ तो इन्होंने reversal कर दिया मेरा match. Oh, बाहर तो चेस गुस्से में आ चुका है। Oh.
Hector Flores के पास कहाँ से आ गया फिनिशर? और ये क्या था? ये तो हो गया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिसे मैं इतना मार रहा था वो ही मैच जीत गया। Hey, rookie, you have a passport or no? Yeah. Why? Turns out I have to go back to Japan to finish out one more match of my contract there. WWE thinks a Japanese opponent might try to injure me for leaving, so unfortunately, I have to face one of you guys. But whatever. At least it will be an easy win. So... Don't know how easy it will be for you, but I'll do it. When do we go? Not so fast. Obviously, this is a huge opportunity, so Hector and Chase want it in too. So you're gonna face them in a triple threat match for the right to lose to me in Japan. Oh-ho. Good luck. मतलब तू समझता है कि तू ही जीतेगा? ठीक है, अच्छा है, लोगों को गलतफहमी होती है। चलो उनकी गलतफहमी भी हम ठीक करें। तो अब आ रहा है एक ट्रिपल थ्रेट मैच जो होगा मेरे, चेज और मेरे दोस्त, मेरा टैग टीम पार्टनर हेक्टर के साथ। गुस्से में लगता है उसे जापान जाना है, बट नहीं, मैं इतनी आसानी से जापान नहीं जाने दूंगा तुम तीनों को। ये क्या था, दोनों तरफ से मार रहे हैं। ओ हेक्टर मुझे अभी अच्छा लगने लगा जिस हिसाब से वो खेल रहा है। उसकी स्टोरी लाइनअप का तो पता नहीं, बट ओहो हम दोनों को बाहर फेंक दिया उसने। और ये चेज बड़ी बेरहमी से चिल्ला रहा है। ये जो स्टनिंग है या स्टंट जो है, एक हिसाब से तो थोड़ा अजीब है, बट क्या करें। और मैं यहाँ बाहर इनको लड़ने दे रहा हूँ, अंदर रिंग में खड़ा हूँ, अपनी एनर्जी बढ़ा रहा हूँ या स्टैमिना मुझे भी नहीं पता। कुछ लड़ोगे या वो भी मैं ही करूँ? वो हेक्टर तो फुल ऑन जोश में। चेज को तो हेक्टर ने ऐसा फेंका जैसे ओहो, पीछे से बार, मतलब चेज और दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। कोई नहीं, शानदार। हेक्टर मेरे नाजुक मुलायम हाथों को मारना चाह रहे हैं।
दूसरे को हम फेंके ही जा रहे हैं। पता नहीं क्या सोच के हमने ये मैच ली। बार मैट पे जो झगड़ा हो रहा है उसमें जो बॉडी हमारी इतनी बढ़िया लाल पे लाल हो रही है। डीडीटी फ्लाइंग डीडीटी और मुझसे पनिशर को पनिश करने से रोक रहे हो मुझे तुम दोनों। ठीक है, बड़ा ही अच्छा है, बट ज्यादा टाइम नहीं चलेगा ये। ओहो, हेक्टर फुल जोश में है, लगता है कि उन्हें जाना है। बट सॉरी हेक्टर, थोड़ा देर हो गया। ओहो, ये उसका फिनिशर है हेक्टर। चेज़ अपने फिनिशर की तैयारी में। चेज़, हेक्टर और पनिशर, कौन जाएगा? सॉरी, ये क्या था? मेरा फिनिशर चेंज कहां से हो गया? सॉरी चेस, एक्टर और मारो एक दूसरे को। ओहो, अब मुझे मत कहना कि ये फिर से ऐसा होने वाला है। यार ये मुझे समझ में नहीं आता, मार इन्हें मैं रहा हूं, स्टंट ये हो जा रहे हैं। ये फिर से हेक्टर एक और मेरी मैच ले गया। आई थिंक सो हेक्टर को मेरा टैग टीम पार्टनर चूज करना बड़ा ही एंटरटेनिंग या इनसे रिस्की रहा। इसके बाद पूरा लक वो ले चुका है। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अभी ये हेक्टर के साथ ही मैच लेना पड़ेगा। ये उसका कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज था। शॉन माइकल का जो मैच के टाइम पे
ठीक है, आज की स्टोरी यहाँ तक ही सही है। इनके एट्रीब्यूशन लेवल में बढ़ा देता हूँ क्योंकि ज़रूरत है, जिस हिसाब से मैच चल रहा है। एक लोकेशन भी अनलॉक हो चुका है, सो ईच ब्रांड शो यू आर ऑफर डिफरेंट लोकेशन टू ट्रैवल, ईच लोकेशन हैज इट्स ओन सुपर स्टार्स एंड द पर्सनल टॉक्स एंड रिसीव स्टोरी लाइन। ओके, locations that have new storyline to interact will have a green badge on it and be sure you check the location. Performance center mein hi hoon aur ye okay, to abhi ke liye ye yahan tak hi hai. So thank you so much guys for staying back and watching my show. See you later on my rise with the Punisher.